सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सच्चे अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 25 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व परमात्मा की मोहब्बत का एक सुंदर गीत सुनते हैं। मेहरबानी लुटाने मेहरबा आ गया है, मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवानो, रहम तो के खजाने रहनुमा आ गया है। तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए हैं सवेरे। तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने, आओ लूटो दीवानो, रहम तो के खजाने मेहरबान। तेरे वचनों से निकली ज्ञान की ऐसी धारा, धरती लहरा उठी है, झूमे अंबर सारा गुनगुनाने लगी है। हर दिशाएं तराना, आओ लूटो दीवानो, रहम तो के खजाने मेहरबा आ गया है। मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवानो, रहम तो के खजाने मेहरबा आ गया है। परमपिता परमात्मा से हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। देखिए बाकी रिश्ते एक जन्म के होते हैं, हम सब जानते हैं कि मृत्यु होते ही सारे संबंध एक सेकंड में टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा का रिश्ता जन्म जन्मांतर चलता है। परमपिता परमात्मा से सारे रिश्ते निभाए जा सकते हैं। इसीलिए अक्सर गाया जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। तो आज परमपिता परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, परमपिता परमात्मा से इस संगम युग पर मुख्य तीन रिश्ते हैं। वैसे तो बहुत सारे रिश्ते हम गाते आए, लेकिन इस संगम युग में, इस महामिलन के समय में, इस प्रभात के समय में परमपिता परमात्मा से मुख्य तीन रिश्ते निभाए जाते हैं। एक तो है फादर का, दूसरा शिक्षक या टीचर का, और तीसरा है गुरु का, सतगुरु का, जो रूह के भीतर के अंधकार को दूर कर दे। फादर बनकर वो सुख और शांति का वर्षा देते हैं, इसलिए सदैव परमात्मा से सुख और शांति मांगी जाती है ना, क्योंकि सारी कायनात का पिता है वो। टीचर बनकर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं, और गुरु बनकर सदगति करते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। हम आत्माएं जीते जी प्रभु पिता का बनने का अभ्यास करते हैं यहाँ पे, तभी हम विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और विजय माला में पुरोए जाएंगे। इसलिए परमात्मा से सर्व रिश्ते निभाने हैं। आज का प्रश्न है कि तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो, सारे नियमों को फॉलो करते हो, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, तो किस ऐसा कौन सा निश्चय है जिसके आधार से बाबा कहते हैं कि तुम पक्के ब्राह्मण बन जाते हो? बाबा ने कहा, पहला निश्चय हुआ कि इन आंखों से, देह से जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब पुराना है, विनाशी है, क्षणभंगुर है। सचमुच ये दुनिया बहुत छीछी है, ये रहने लायक नहीं है। जैसे छीछी चीज को हाथ नहीं लगाया जाता, ऐसे बुद्धि रूपी हाथ से इनको स्पर्श नहीं करना है, अर्थात संकल्प भी नहीं करना है, ये हमारे रहने लायक नहीं है। हमको परमपिता परमात्मा से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से बाबा कहते हैं कि तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर प्रभु पिता का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि शिव बाबा द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है, तो इसलिए इस संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य क्या है? विश्व की बादशाही लेनी है तो कर्तव्य भी तो करना पड़ेगा ना, सेवा भी तो करनी पड़ेगी ना। तो क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है? बड़ी सिंपल ड्यूटी है, सदा खुश रहना, कभी कभी नहीं, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अब ये कैसे संभव हो सकता है? परिस्थितियां आती हैं, मूड जो है वो बदलता रहता है,
तो इसके लिए ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसे जैसे बाबा कहते नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। तो बाबा कहते इतनी सेवा करनी है, इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ न जाए। तो इसके लिए बाबा कहते चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ हो ऐसा नहीं, माया से हार खाने वाला नहीं, दिल शिकस्त वाला चेहरा न हो, सदा खुश रहो और खुशियां बांटते चलो। तब कहेंगे हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले करने वाले। शिव भगवान कहते हैं बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, जो जो देवताएं हैं वो कभी भी पतित तो दुनिया में नहीं रहते हैं, आते ही नहीं हैं। वो पिता समझाते हैं अब वापिस जाना है, क्यों? क्योंकि नाटक पूरा होता है ना, तो नाटक में पार्ट लेने वाला व्यक्ति अपने घर जाता है ना। ऐसे इस सृष्टि के बेहद का नाटक भी अब पूरा होता है। इसलिए बाप कहते हैं सबका सतकती दाता पतित पावन मैं हूं, कालों का काल मैं हूं। ये यमदूत आदि का साक्षात्कार जो होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि पाप करते हैं ना, तो सजा भी तो खाते हैं ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो गर्भ में सजा मिलती है, भीतर ही भीतर त्राही त्राही करते हैं, दुखी होते हैं ना, पुकारते हैं। भगवान शिव कहते हैं यहां तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? जो दिखाई देता है ऐसा ब्रह्मा। और कहते क्या है? हे आत्माएं तुम मेरी हो। ऐसे तो नहीं ना कहते कि साकार में तुम मेरे हो ना, आत्मा से ही बात करते हैं, आत्मा को ही देखते हैं। तो यहां निराकार आत्मा, निराकार फिर परमात्मा को कहती है मैं आपकी हूं। बाकी जो दुनिया में अडॉप्ट करते हैं वो तो शरीर को देखते हैं, वो अपने को भी शरीर समझते हैं, आत्मा तो नहीं ना समझते। यहां तो शिव बाबा स्वयं अडॉप्ट करते हैं, वर्षा देने के लिए अडॉप्ट करते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, जो अच्छी अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में ये बातें जरूर बैठेंगी। निराकार बाप कहते हैं देह का भान छोड़ विदेही बनकर मेरे बनो। बनना भी कैसे उसकी युक्ति भी बता रहे हैं। निराकार बाप युक्ति कैसे बताते हैं? देह का भान छोड़ विदेही बनकर मेरे बनो तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में परम धाम में साथ ले चलूंगा। आज की दुनिया में तो चारों ओर भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचारी दुनिया है ना, लेकिन कल श्रेष्ठाचारी बनेगी। श्रेष्ठाचारी दुनिया ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग के बल से बनेगी।
जिसे हम नव भारत भी कहते हैं, न्यू इंडिया भी कहते हैं। न्यू इंडिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जो आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक मूल्यों पर आधारित होगा। उसी की स्थापना परमपिता परमात्मा, वो सत्यम शिवम सुंदरम इस समय कर रहे हैं। गॉडफादर को ओशन ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। उनमें सारी सृष्टि के वृक्ष की नॉलेज है, क्योंकि सतचित आनंद स्वरूप है ना, आकर के सारी नॉलेज मानवता को देते हैं और फिर मानवता जाग जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं इस भौतिक देह को छोड़कर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कब चले जाएंगे, जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे, तब फिर तुम्हारे में कोई भी ये जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, ये जो भूत हैं भीतर में, वो नहीं रहेंगे। क्योंकि सबसे पहले नंबर का जो भूत है वो है ही देही अभिमान, देह समझना और उसके गरूर में इधर उधर घूमते रहना, उसका शो करना, दिखावा करना। इससे ही बाकी विकारों की उत्पत्ति होती है। देखिए, इन विकारों के निमित्त ही रावण का बुत बनाकर उसे हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन रावण कभी भी पूरी तरह जलता नहीं है। वो लौट लौट कर हर वर्ष और भी विशाल रूप धारण करके आ जाता है, क्योंकि रावण रूपी बुराइयां हमारे मन और बुद्धि में विशाल रूप धारण करती जा रही है। दिन ब दिन मनुष्य का व्यक्तित्व भ्रष्टाचारी, अनाचारी और अत्याचारी होता जा रहा है। इस भीतर के रावण को अब राम के ज्ञान बाणों द्वारा ही मारा जा सकता है। इस समय वो निराकार राम, परमपिता परमात्मा, वो सच्चा सच्चा सुखदाता आकर के अलौकिक ज्ञान के बाणों द्वारा हमारे भीतर बैठे रावण को पूर्णतया समाप्त कर रहे हैं। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं, अब उस परमात्मा को याद कैसे करना है? बच्चों को ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वे भी परमपिता परमात्मा शिव से ज्ञान लेते हैं और उस शिव बाबा को ही याद करते हैं, आत्मा समझकर याद करते हैं। इसलिए तुम बच्चों को भी शिव बाबा से प्रीत करनी है तथा उस एक पिता को ही याद करना है। वही अज्ञान निद्रा में मूर्छित मानवता को जीवदान देने वाला है। आज का स्लोगन है, एक दो की राय को रिगाड़ देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। स्लोगन के रूप में परमपिता परमात्मा ने कितना बड़ा आर्ट ऑफ लिविंग हमें दे दी है कि किस तरह से एक दो को रिगाड़ देना है, जो उनकी राय है, जो उनका मत है, उसको रिगाड़ देना है, संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। अगर आप रिगाड़ देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, तो उनके भीतर में यूनिटी बनी रहेगी और यही सफलता का साधन है। कहा जाता है ना, संघ शक्ति कलयुगे, कलयुग में सबसे बड़ी
शक्ति अगर कोई है तो वो संगठन की शक्ति है, लेकिन संगठन भी तभी सफल होता है, तभी बना रहता है अगर हम एक दूसरे की राय को रिगार्ड देंगे तो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति।